अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर फहद एंड टुडे माय टास्क इज़ टू एक्सप्लेन दी हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ दी नीवस लाइपोमाटोसिस। अच्छा, नीवस लाइपोमाटोसिस की हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके अंदर जो है वो हमें डर्मिस के अंदर जो है वो फैट सेल्स मिलेंगे। नॉर्मली जो फैट सेल्स होते हैं वो हमें सबक्यू लेयर के अंदर मिलते हैं, लेकिन इस हिस्टोपैथोलॉजी इस स्लाइड के अंदर जो है नीवस लाइपोमाटोसिस की हमें यही फैट सेल जो है ये हमें डर्मिस के अंदर जो है वो नज़र आ जाएंगे। और इन फैट सेल्स के बीच में जो है वो हमें डाइसेक्टिंग कोलेजन बंडल्स भी नज़र आएंगे। एज आप देख सकते हैं जो मैंने एनसर्किल किया है, ये सारे के सारे जो है फैट सेल्स हैं और उनके बीच में जो है ये डाइसेक्टिंग कोलेजन बंडल्स भी जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हमें स्लाइड के अंदर जो है वो बेसल लेयर की पिगमेंटेशन भी नज़र आ रही है और एपिडर्मिस इसके अंदर थोड़ी सी हाइपर केराटोसिस भी है। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा हाई पावर व्यू के अंदर जो है वो देख लेते हैं। हाँ, ये थोड़ी हाई पावर व्यू वाली स्लाइड है। इसमें हमें जो है वो फैट सेल्स डर्मिस के अंदर और जो है वाजे हो रहे हैं और जो कोलेजन बंडल्स इनके बीच में जो आ रहे हैं वो भी इसमें स्लाइड के अंदर जो है वो ज़्यादा वाजे हो रहे हैं। सो दिस इज़ द स्लाइड ऑफ द नीवस लाइपोमाटोसिस।